अमेठी कस्बे के ककवा रोड पर बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज में बाधक बन रहे व्यापारियों के मकानों और दुकानों पर आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर चल ही गया। पिछले कई महीनों से व्यापारियों को नोटिस देने के बावजूद आवासों और दुकानों को न तोड़ने पर सख्त हुए प्रशासन ने आज अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवा दिया। कई थानों का फोर्स और पीएसी बल के साथ मौके पर पहुंचा। सीओ और एसडीएम की मौजूदगी में व्यापारियों के आवासों और दुकानों को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। इस दौरान व्यापारी और पुलिस अधिकारियों की नोकझोंक भी हुई। पूरा मामला अमेठी कस्बे के ककवा रोड का है, जहां लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर रेलवे ओवरब्रिज संख्या 102 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य करीब 50% तक पूरा भी हो चुका है। ककवा रोड पर बन रहे ओवरब्रिज को लेकर प्रशासन द्वारा चिन्हांकन कराया गया था और व्यापारियों से चिन्हांकित जमीन तक अपने मकानों और दुकानों को गिराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कई व्यापारियों ने ऐसा नहीं किया। कई बार नोटिस देने के बाद भी अपनी दुकानों और मकानों को नहीं गिराने के बाद आज सख्त हुए प्रशासन ने दो बुलडोजर की मदद से सभी मकानों और दुकानों को गिरवाने का सिलसिला शुरू कर दिया। इस दौरान एक व्यापारी के परिवार से पुलिस की नोकझोंक भी हुई। अमेठी के ककवा रोड पर अतिक्रमण गिराने के दौरान कई थानों की फोर्स और पीएसी बल वहां मौजूद रही। एसडीएम प्रीति तिवारी, सीओ ललन सिंह और ईओ नगर पंचायत की मौजूदगी में दो बुलडोजर की मदद से व्यापारियों के अवैध अतिक्रमण को गिराया गया। सर, ये किस प्रकार की ये कार्रवाई जो है ककवा रोड पर की जा रही है? सेतु निगम का पुल बनना है यहाँ पर, और जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाने के संबंध में जो भी विहित प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए इसके पूर्व में नोटिस दिए गए और उसके पश्चात निशान लगाए गए और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अमेठी से नाउ 44 के लिए शुभम परनवाल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।